is under attack. वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारे आगे है कूलेस्ट आईक्यू, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जेसीपी का। तो गेम प्ले स्टार्ट करते हैं इसका, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं यहाँ से। कंटेनर बराबर ही मिले हैं। यहाँ पे मेरा प्लान था कैंप प्ले करने का, फुल सील्स नहीं बनाने का इरादा था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले बताया कि जेसीपी का अच्छा प्लेयर है, तो वहाँ पे मुझे डर था कि मैं लैंड पे लूज ना कर जाऊँ, इसलिए कुछ ही सील्स बनाए हैं और अभी स्टॉक कर लेते हैं। एचक्यू 4 जा रहे हैं और यहाँ पे मेरा भी एचक्यू 4 आधे में पहुंच गया। एक फ्लैग एनिमी के पास है, एक मेरे पास है। स्काउट किए जा रहे हैं बार बार और उस वक्त मेरा रैंक 22 था, 23 नहीं था जब ये बैटल मैंने इसके आगे प्ले की थी, रैंक 22 में था मैं उस वक्त। तो देख सकते हैं आप, रॉकेट टावर 3 फायर कर रहा है, अभी मैंने अपग्रेड कर लिया तो ये 4 रॉकेट फायर करता है। तो एक हिसाब से बैटल फेयर ही थी, मैं भी रैंक 22 में था। स्काउट कर लेते हैं एनिमी को, और ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ये बंदा अभी तक इसने हीरो की फैक्ट्री नहीं लगाई, क्योंकि ये जब भी मेरे आगे आता है सबसे पहले फैक्ट्री लगाता है, वो हीरो बनाता है और उसके बाद कैमिलियन की फैक्ट्री अपग्रेड करता है, लेकिन यहाँ पे शायद जेसीपी रश करने के चक्कर में था, तो इसीलिए मैं ये अपग्रेड करूँगा जी उसके लिए। आठ मिनट पे अटैक हो चुके, लेकिन काफ़ी थोर और वर्टिक्स हैं डिफेंड करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था, अभी लेवल 3 का हीरो बनाने के चक्कर में, क्योंकि मैं होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो बन गया तो फिर कैंप करना मुश्किल है, मुझे काफ़ी डिफेंस लगाना पड़ेगा। ये डिफेंस एक ही रेट काफ़ी थी और बहुत सारा एंटायर है इसके पास, उधर बिल्डिंग पे अटैक करने की वजह से यहाँ पे मैं अब डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा रिफ्यूल हो रहे हैं और काफ़ी टाइम लेंगे। यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी क्लोज है, तो उसके लिए बेस में एंटर करना बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से उसे थोर का खतरा है। व्हीकल स्काउटिंग का बूस्ट लगा के लेके जा रहे हैं आदमी, यहाँ पे पंपिंग मैंने काफी जल्दी कर दी, शायद मिस हो जाएगी या फिर नहीं होगी, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि काफी टाइम पहले प्ले की थी ये बैटल, इसके आगे रैंक 22 में था मैं इस वक्त।
और बॉम्बिंग जो नहीं की वो इस चीज़ का वेट करते हो कि एक दफ़ा आर्मी सीज लगा के ये मूव कर लेता है, तो मुझे लगा था शायद ऊपर की तरफ जाएगा। तकरीबन दोनों ही बॉम्बिंग मिस हो गई और ये गलती इसने करती बेस के अंदर जाने की, और ये काफ़ी सॉलिड हिट पड़ गई इसको। इसलिए मैंने एक दो चीज़ सुना ली है कि अगर बेस में एंटर हो तो डिफेंड करने के लिए काम आएंगे। फिर से स्काउट करते हैं। यहाँ पे बॉम्बिंग कोई तो अच्छी नहीं थी इस बैटल में, ये एक सॉलिड हिट पड़ी इसको, तो वो भी शायद कमिलियन को ही लगी, बाकी आर्मी तो पीछे थी, क्योंकि जेसी भी बहुत ही अच्छे से चला रहा था ये। मेरा इरादा था ये फ्लैग कैप्चर करने का, इसलिए ये बैरक लगा दी, यहीं से असॉल्ट प्रोड्यूस करके ये ऑब्जर्व कर दूंगा, क्योंकि कोई एक फ्लैग होना ज़रूरी है। अगर दोनों उसके पास होंगे तो उसकी यूनिट का डैमेज भी ज़्यादा पड़ेगा और रिसोर्सेज भी उससे ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ बॉम्बिंग मुझे फ्लैग पे कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सारी आर्मीज ने यहीं पर इकट्ठी हुई थी, लेकिन वो चीज़ मैंने नोटिस नहीं की, तो दोबारा से स्काउट करने के लिए मैंने देखा, लेकर मूव कर गया था। एक हिट पड़ी है, उनके दो पड़ी है, सो के तरफ टुक पे थी ये पम्बी। स्काउट करते हैं क्योंकि मुझे डर था कि हीरो वाला कीड़ा इसे तंग ना करे दोबारा, क्योंकि यार वो बहुत ही कुत्ती चीज़ है। जैसा कि मेरा गेम प्ले उस हिसाब से तो बहुत ही बुरी चीज़ है वो, लेवल 3 का हीरो रैंक का, क्योंकि वह तो बेस में घुस गए तभी मसला है, और ये डिफेंसिव बिल्डिंग पे उसने अगर बॉम्ब गिरा देने के रॉकेट टावर वगैरह पे तो फिर भी गेम खत्म है। और एक वो बन जाए उसके लिए टेंशन होती है, टायर लगाने पड़ते हैं पूरे बेस में। यहाँ पर मुझे थोड़ा डर लगा था क्योंकि उधर स्पेस सिस्टम लगाया हुआ, और मुझे था कि ये आर्मी इधर न चली जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा थी नहीं, इसके पास सिर्फ डैगर बचे, फिर रॉकेट टावर के आगे कुछ भी नहीं है, ऊपर से वर्टेक्स भी है मेरे पास। ये लास्ट ट्राई करेगा बेचारा, लेकिन ये दोनों तरफ का अच्छा प्लेयर है, ब्लू का भी अच्छा प्लेयर है, इसके एक बैटल है मेरे साथ, इसने ब्रेक किया, और हमारे आगे रैंक 26 के दो प्लेयर थे, तो वहाँ पर इसका रैंक 22 है,
बहुत ही अच्छा प्ले किया इसने, वो भी मैं अपलोड करूँगा। कैमिलियन उड़ चुकी है, और आर्मी साफ हो गई। तो यहाँ पे शायद बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी उसने, उसने लेफ्ट कर दिया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थे मेरे कुछ, हैवी सॉल्ट से बिल्डिंग गिराने का।